हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज जा रहे हैं हम स्कॉन टेम्पल। वहाँ से हमने वीडियो शूट की है थोड़ी सी, मतलब गोवा के बाद हम करीबन 1 महीना से ज़्यादा हो गया, उसके बाद हमने आज वीडियो बनाई। तो पता है, हम घर से निकले थे जू के लिए, यानी चिड़ियाघर के लिए, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था वहाँ पे। हमारा काफ़ी दिनों से प्लान भी था, लेकिन वहाँ पे इन्होंने गूगल पे सर्च किया तो वो मतलब चालू था, लेकिन वो बंद मिला हमको। मतलब बहुत सारे लोग वापस जा रहे थे। फिर हमने प्लान किया, क्योंकि पास में इस्कॉन टेम्पल था, कि चलो अब आ ही गए हैं तो इस्कॉन टेम्पल चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इस्कॉन। यहाँ का मेरे चैनल पे एक और वीडियो अपलोड है, उसके बाद हम सेकंड टाइम आए हैं। मतलब हम फर्स्ट टाइम आए थे जब पुणे, तो 1 साल पहले तो हम आए थे यहाँ पे। बहुत अच्छी जगह है, मतलब बहुत शांति मिलती है आके। और हाँ, मैंने अब डिसाइड किया है कि हम हर संडे को जाएंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही दुनिया होती है अंदर जाके। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन को बहुत ही सुकून मिलता है सुन के। मैंने कुछ जो वॉइस है वो कट नहीं की है वहाँ से। और ये हमारी जो हमारी सोसाइटी है वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी से है, तो बच्चों को तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि बच्चों को तो वो ये है कि जो उनके लायक चीज़ें होती हैं ना, उनमें ही इंटरेस्ट आता है। बाकी उनको बोर होता है, उनको नहीं समझ में आता अभी ये क्या कर रही हैं, क्यों गा रहे हैं, ये सब चीज़ उनको बोर लगती है। तो वो थोड़ा बहुत देर बैठे हमारे पास, फिर बाद में वो खेलने के लिए चले गए। तो यहाँ से मतलब वैसे सब मास्क वगैरह लगा के ही थे। वैसे आपको तो पता है महाराष्ट्र में वैसे भी कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा वहाँ से हमने वॉइस नहीं कट की, क्योंकि बहुत ही आनंद आ रहा था उसे सुनने का, तो इसलिए हमने वहाँ से नहीं कट की है। और यहाँ से जो ठाकुर जी थे वहाँ की हमने वीडियो शूट की है, बहुत अच्छा लगा। आप भी अगर पुणे में रहते हो तो एक बार ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मतलब हम आधे 1 घंटा अंदर बैठे थे, फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल दिए, क्योंकि हम निकले थे घर से 9 बजे। और क्योंकि 9:30 बजे जू खुलता है, तो हमें नहीं पता था वो बंद मिलेगा। बाकी नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाएंगे अच्छे से पता करके। वैसे हमने कॉल भी किया था सुबह को, उस टाइम कोई उठाया नहीं था किसी ने, तो इसीलिए हमने वैसे भी देखा था गूगल पे, तो उसे मतलब दिखा रहे थे कि खुला हुआ है। बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे, सभी को फिर वापसी जाना पड़ रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के ऊपर, ये एक और फ्लोर बना हुआ है ऐसे ही। तो ये मंदिर का पूरा सीन है, इसके आसपास सोसाइटी भी बनी हुई है। मतलब कि इसके जो मंदिर के आसपास जो सोसाइटी बनी हुई है, उनमें वही लोग रहते हैं जैसे कि मंदिर में रहते हैं। वो सुबह को अपना आगे मंदिर में पूजा पाठ करें। और काफ़ी अच्छी जगह है ये देखने में भी, और वैसे भी बहुत साफ सफाई है यहाँ पे। तो दूसरी टाइम आई हूँ तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और अभी धूप पड़ने लगी है, और हम पहले बारिश के टाइम पे आए थे। हमें उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।